नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र करता हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने YouTube चैनल डीसी मोबाइल सॉल्यूशन पे। एक बात सच्चाई बिल्कुल बताना, कमेंट में मुझे बता देना कि किन किन लोगों ने UMT क्रैक डाउनलोड करने की कोशिश की है और कितनों को UMT क्रैक मिल चुका है। मिल गया होगा वो 1.2 का, और वो वहाँ पे भी जो है QC फायर अलग डाउनलोड करिए, GSM अलग, CDMA जो सारे सेटअप हैं वो अलग अलग करने पड़ते हैं, और वो भी बहुत पुराने मिलते हैं। और वीडियोस तो ऐसी भी हैं कि लेटेस्ट अपडेट जो है UMT अपना ऑफिशियल अपडेट बाद में देता है, पहले क्रैक वाले पहले अपना दे देते हैं। उसमें जब 4.4 का वर्जन चल रहा था, अब तो खैर 4.8 का आ गया है, उस समय जब 4.4 का चल रहा था ना, तो उस समय भी जो है मैंने कई चैनलों पर देखा था कि क्रैक 4.8 उन्होंने अपलोड कर दिया था। हाथ कुछ आता नहीं है, केवल ऐड दिखाते रहते हैं वो लोग, और आप ऐड देखते रहते हैं, हासिल कुछ होता नहीं है जिन जिन्होंने डाउनलोड कर लिया हो। क्योंकि मेरे टेलीग्राम पे भी और भी बहुत से लोगों ने जो है ये पूछा है कि सर आपके पास UMT का क्रैक हो तो हमें दीजिए। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कवर करूँगा। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि क्रैक जो होता है ना, क्रैक वो उस तरह होता है जैसे मान लीजिए कोई हॉलीवुड की फिल्म, जैसे एवेंजर्स आई, तो अगर आप यूट्यूब पे भी देखेंगे या फिर कोई बॉलीवुड की फिल्म ले लीजिए, तो अगर आप ये यूट्यूब पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये चार्ज करा जाता है जब वो स्टार्टिंग में अपने रिलीज होती है तब। लेकिन उसके बाद जो है फ्री हो जाता है, बहुत से लोग उसे अपलोड करते हैं वेबसाइटों वगैरह पर अपलोड करते हैं, तो वही होता है क्रैक। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि क्रैक करने वाला जब मिरेकल के 2.82 को क्रैक कर सकता है, तो 2.94 को, 2.92 को क्यों नहीं क्रैक कर सकता, कर सकता है ये? और क्यों वो मिरेकल वाले इन पे कॉपीराइट नहीं देते? वो तो साफ साफ उन्होंने मिरेकल क्रैक में भी GSM एक्स टीम ने जो है उनको उसको जो है पब्लिश किया, तो वो चाहे तो उसको कॉपीराइट दे सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये लोग हमें लालच देते हैं, और क्योंकि आप पहले मिरेकल यूज़ करिए या फिर UMT का क्रैक लीजिए या फिर जो भी टूल हैं वो अपने क्रैक प्रोवाइड करवाते हैं, उनको यूज़ करिए, फिर आप उस जब आपको उसकी आदत पड़ जाएगी तो आपको जो है उसका प्रो वर्जन या प्रीमियम वर्जन खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको काम करना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि भैया यहाँ पे UMT का प्राइस है 2950 रुपये। आप एक मोबाइल को अनलॉक करने के या फ्लैशिंग करने के तकरीबन 200-250 रुपये चार्ज करते होंगे, तो भैया क्या यार, 15 मोबाइल अगर आपने कर दिए तो आपका एक साल का पूरा काम हो चुका है। और जहाँ तक मेरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ आप पे कितना भी अगर काम आता है, अगर आप सॉफ्टवेयर काम करते हैं, तो 2-3-4 दिन में जो है आप ये कवर कर लेंगे, उसके बाद आपको बड़ा मज़े आएंगे। क्योंकि जो लेटेस्ट अपडेट आती है दोस्तों, उसमें जो है और ही मज़ा होता है, क्योंकि जब आपके आसपास लोग काम करने वाले, जो भी आपके आसपास जो दुकानदार हैं जो सॉफ्टवेयर काम करते हैं, क्रैक वगैरह से काम कर रहे हैं, सोचिए अगर वो आपके पास आएंगे कि भैया इस मोबाइल को अनलॉक करना है, तो यार आपका मतलब एटीट्यूड कौन से आसमान पे होगा। क्योंकि जो बंदा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, इस चीज़ से आपकी आपकी जो है मार्केटिंग पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। लोग देखेंगे तो ये कहेंगे भैया यार ये भी तो काम करता है, लेकिन ये इसके पास आ रहा है। तो यार कोई ज़्यादा महंगा डोंगल नहीं है, आप 2950 का परचेस कर सकते हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अपनी मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो भैया मार्केटिंग तो सब कर रहे हैं, आप भी अपनी दुकान खोले, मतलब आप जो अपना काम कर रहे हैं तो वो भी एक मार्केटिंग है और पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जहाँ मान लीजिए वो 3500-3400 का है, वहाँ पे आपको यहाँ 2950 में दिया जा रहा है, और कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आपके जो है घर पे पहुँच जाएगा, तो इसमें यार बुराई क्या बात है। और ये तो भैया अगर आप सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं तो यार इतनी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए आपको, एक कम से कम UMT तो ले लीजिए, और मिरेकल वगैरह तो आपके बाद की बात है, आप वो जब लें तब ले लीजिए, कम से कम एक UMT तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि क्वालकॉम के लिए बहुत ही बेस्ट टूल है। और बहुत से मुझसे सवाल लोग भी कर रहे हैं कि UMT या UMT प्रो, तो भैया देखो UMT प्रो में केवल एवेंजर्स बॉक्स आपको मिल जाता है, जो कि SPD और MediaTek के लिए एक डायरेक्ट अनलॉक, और बहुत से उसमें अच्छे अच्छे ऑप्शन है, तो आप ले सकते हैं एवेंजर, और ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, मिरेकल से भी आप वो सारा काम कर सकते हैं जो एवेंजर से कर सकते हैं। मिरेकल क्रैक की बात कर रहा हूँ मैं, 2.82 से कर सकते हैं जो एवेंजर से कर सकते हैं, लेकिन आपकी चॉइस है, आपकी समझ है, आप बस फर्क इतना ही है, बाकी जो भी और भी जो सारे फीचर्स हैं वही UMT में है, वही UMT प्रो में, बस UMT प्रो में एक एवेंजर्स बॉक्स आपको मिल जाता है। तो उसका मेरे हिसाब से अभी का जो आज का जो प्राइस है, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 4100 रुपये का करीब है UMT प्रो, और UMT 2950 का है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं लेने में, तो यार ये स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप खरीदना चाहें तो। तो यार यही कुछ था वीडियो में, और यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि यार क्रैकों के झंझट में ना पड़ें। क्रैक मतलब मिरेकल का 2.82 बहुत अच्छा क्रैक है, बहुत मतलब ज़्यादातर उसमें जो है वर्क हो जाता है। बट लेकिन UMT की बात करें तो UMT को इतना महंगा भी नहीं है, वो तो खैर 8000 के ऊपर का है मिरेकल, लेकिन ये तो करीबन 3000 रुपये का टूल है, और अगर आप सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं तो आपको यार ले लेना चाहिए UMT डोंगल। तो अगर आप परचेज़ करना चाहें तो आ सकते हैं हमारे पास, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमसे, आने का नहीं, व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको कुरियर कर देंगे। तो यही कुछ था वीडियो में, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, दबा देना बेल आइकन को, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास
सबसे पहले पहुंच सके।